सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन काउंट ऑपरेशंस मींस प्रीवियस केस मैंने सेपरेटली वन बाय वन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया था जस्ट काउंटिंग डिजिट्स काउंटिंग अल्फाबेट्स और काउंटिंग वर्ड्स। इस केस में जस्ट एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सारे सिम्बल्स काउंट कराएंगे। सबसे पहले काउंट क्या करेंगे, अल्फाबेट्स डिजिट्स वर्ड्स एंड सिम्बल्स। तो टोटल इस केस में काउंटर वेरिएबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे, देयर आर फोर काउंटर वेरिएबल्स। देन आपको पता है इसके साथ फंक्शन से टोटल फोर काउंटर वैल्यूज के रिस्पेक्ट में फोर रिजल्ट्स जनरेट होंगे और किसी भी फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करें सिंपली वॉइड प्लस फंक्शन इटसेल्फ डिस्प्ले क्या करेगा ऑल काउंटिंग वैल्यूज। इस फंक्शन के अंदर ही आपको प्रिंट टाइप के थ्रू जस्ट डिस्प्ले कराना है। चेक इट अगेन, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करोगे एज जस्ट वॉइड, देन फंक्शन नेम एज काउंट, आर्ग्यूमेंट टाइप एज कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट वन, इस टोटल किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे सिंबल्स में फोर कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, अल्फाबेट्स डिजिट्स वर्ड्स एंड सिंबल्स। अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट में अल्फाबेट्स के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर अपर केस और लोअर केस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग के लिए एरे के लिए कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, देन स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर ट्रेवर्स करने के लिए जस्ट यूज करेंगे लूप। तो लूप के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया हुआ इंटीजर वेरिएबल आई। नेक्स्ट वन, अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ AC। AC स्टैंड फॉर अल्फाबेट काउंटर विद इनिशियल वैल्यू है 0। नेक्स्ट वन, डिजिट्स को काउंट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएबल एज DC, अगेन इनिशियल वैल्यू है 0। देन वर्ड्स, स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट वन वर्ड एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वर्ड काउंटर देन विद इनिशियल वैल्यू एज 1। स्पेशली याद रखना जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया था हाउ टू काउंटिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वन, सिम्बॉल काउंट, सिम्बॉल काउंट के केस में वेरिएबल यूज कर रहा हूँ SC और स्पेशल सिम्बॉल काउंट मीन्स इनिशियल वैल्यू है 0। देन स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर विजिट करने के लिए जैसे अप्लाई करेंगे फोर लूप। फोर लूप के केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या रहेगा स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स का 0, i=0। कंडीशन अप्लाई करोगे सिंपली a(i) और a(i) ≠ null, दोनों के मीनिंग कैसे सेम। जैसे ही a(i) में नल आएगा, नल मीन्स 0, 0 के रिस्पेक्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो आपको कोई कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से होता है 1 से, क्योंकि डिफरेंस कितने का जनरेट होता है ऑलवेज बाय 1। नेक्स्ट वन, जस्ट इस केस में आपको फिल्टर्स और कंडीशंस कितने अप्लाई करना है, ओनली 3 कंडीशंस मींस इस केस में कंडीशंस किसके लिए अप्लाई करूंगा, अल्फाबेट्स के लिए, डिजिट्स के लिए और वर्ड्स के लिए, क्योंकि अल्फाबेट डिजिट्स और वर्ड्स के अलावा अगर कोई भी अदर सिंबल फाउंड होता है देन इस पर्टिकुलर केस को कंसीडर करेंगे या स्पेशल सिंबल, प्लस इस केस को पुट करेंगे इनसाइड मीन्स इसके लिए मेंटेन क्या करेंगे इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन और दिस वन इज एज अ पार्ट ऑफ एल्स ब्लॉक। क्लियर, सबसे पहले चेक करना है अगर a(i) के अंदर अल्फाबेट एग्जिस्ट करता है देन इंक्रीमेंट किस में कराएंगे AC में। तो इस केस में अल्फाबेट टेस्ट करने के लिए कंडीशन के कितने कंडीशन रिक्वायर्ड होंगे, टोटल फॉर 2 कंडीशंस, चेकिंग फॉर अपर केस अल्फाबेट, चेकिंग फॉर लोअर केस अल्फाबेट्स। तो इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के फॉर्म में कंडीशन अप्लाई होगा इफ a(i) इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल A। सबसे पहले मैं टेस्ट केस को कर रहा हूँ अपर केस अल्फाबेट्स, एंड अगर a(i) का ASCII वैल्यू A के ASCII वैल्यू से या तो बड़ा है या इक्वल है, देन चेक क्या करना है, शुड बी लेस देन ASCII वैल्यू ऑफ Z। इफ a(i) लेस देन और इक्वल्स टू ASCII वैल्यू ऑफ अपर जेड, और इसे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई क्या कर रहा है अपर केस अल्फाबेट्स, लेकिन दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है अल्फाबेट्स के केस में लोअर केस अल्फाबेट्स, देन अगेन एनोदर कंडीशन अप्लाई करेंगे लोअर केस अल्फाबेट्स के लिए इफ a(i) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a एंड a(i) इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड। क्लियर, दिस इज द इफ कंडीशन। अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मीन्स और के रिस्पेक्ट में, या अगर या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू या फिर सेकंड कंडीशन ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू है देन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट में काउंटिंग इंक्रीमेंट किस में कराएंगे वेरिएबल नेम AC मीन्स अल्फाबेट काउंटर प्लस प्लस। बट सपोज अगर a(i) के अंदर कोई अल्फाबेट ना हो सकता है दूसरा पॉसिबल केस क्या, मे बी कंटेनिंग डिजिट्स, डिजिट्स के केस में लोअर रेंज क्या रहेगा ASCII वैल्यू ऑफ 0 एंड मैक्सिमम रेंज क्या है इस केस में ASCII वैल्यू ऑफ 9। अगेन वन मोर कंडीशन अप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ else if, इन द फॉर्म ऑफ else if। तो else if के केस में नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा इफ
ASCII value of A of I is greater than or equals to ASCII value of 0 and ASCII value of A of I is less than or equals to ASCII value of 9. अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो हो सकता है सेकंड कंडीशन ट्रू हो. अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है देन ए ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा डिजिट्स, देन उस केस में इंक्रीमेंट किस में कराओगे डिजिट काउंटर डीसी, यस डीसी प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, अगर फर्स्ट इफ कंडीशन भी फॉल्स है और एल्स इफ कंडीशन भी फॉल्स है देन थर्ड पॉसिबल केस क्या है कंटेनिंग मे बी वर्ड्स. वर्ड्स काउंट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे इस केस में स्पेसेस. तो नेक्स्ट कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे स्पेस के रिस्पेक्ट में. लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या है जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने प्रीवियस केस में क्या बताया था इन केस ऑफ स्पेस हेलो वर्ल्ड मिस इस केस में स्ट्रिंग के बिटवीन में मिस वर्ड्स काउंट किसके रिस्पेक्ट होंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पेस. इस केस में सिंगल स्पेस है वर्ड्स कितने हैं टू. बट सपोज दैट प्रीवियस केस में जस्ट स्मॉल मिस्टेक पॉइंट किया इन दैट केस अगर वर्ड्स काउंट करना अगर आप सिंपली राइट डाउन करो तो एल्स इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस क्लियर. तो इसके हो सकता है इसके बिटवीन में आपने एक से ज्यादा स्पेस पॉइंट किया लाइक दैट हेलो देन नंबर ऑफ स्पेस 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 देन जस्ट वर्ल्ड. इस केस में प्रॉब्लम क्या अगर आप एक से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर दे तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने काउंट होंगे थ्री. तो काउंटर में इंक्रीमेंट भी कितनी बार हो जाएगा इस केस में वर्ड काउंटर में इंक्रीमेंट कितनी बार होगा थ्री टाइम्स. जबकि इस केस में इंक्रीमेंट थ्री टाइम होना चाहिए और ओनली वन टाइम क्यों इनिशियल वैल्यू क्या वन वन टाइम इंक्रीमेंट होने वाला इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए टू क्यों टोटल वर्ड्स कितने टू. लेकिन इस लॉजिक्स के केस में प्रॉब्लम क्या है इस लॉजिक्स के अकॉर्डिंग जस्ट थ्री स्पेस काउंट होंगे थ्री स्पेस रिप्रेजेंट क्या करेंगे जस्ट फोर वर्ड्स थ्री प्लस वन टोटल वर्ड्स कितने रिप्रेजेंट में फोर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कमी से जब आप करंट स्पेस चेक करो फर्स्ट टाइम स्पेस के केस में परफॉर्म किया जाए काउंटिंग सॉरी इंक्रीमेंट. लेकिन नेक्स्ट स्पेस में आपको इंक्रीमेंट कराना है क्या नहीं क्यों जैसे नेक्स्ट स्पेस आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा प्रीवियस कैरेक्टर का पोजिशन. अगर प्रीवियस कैरेक्टर ऑलरेडी स्पेस है तो उसका मतलब इंक्रीमेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है नेक्स्ट टाइम आपको इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं है. इसलिए एक और कंडीशन क्या अप्लाई करोगे एंड ए ऑफ आई आई मीन्स प्रीमिस आई का रिप्रेजेंट करेगा करंट पोजिशन. आपको चेक किसके लिए करना है प्रीवियस के लिए. तो प्रीवियस कैरेक्टर का पोजिशन क्या हो जाएगा आई माइनस वन क्लियर. इफ ए ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल्स टू स्पेस अगर इसका प्रीवियस कैरेक्टर स्पेस नहीं है देन ओनली ये दोनों ही कंडीशन कैसे ट्रू देन ओनली परफॉर्म किया हुआ इंक्रीमेंट. मीन्स इस केस में सभी केस में वर्क करेगा. अगर आपको कंटिन्यूसली एक से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करो तब भी इंक्रीमेंट लॉजिकली कितनी बार होगा ओनली वन टाइम. दिस इज द परफेक्ट कंडीशन. आप प्रीवियस एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर सकते हो. प्रीवियस केस में ओनली सिंगल स्पेस के रिस्पेक्ट में आपको लॉजिक सेक्शन की अगर एक से ज्यादा स्पेस क्रिएट होते हैं उस केस में इस टाइप का एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करके आपके लिए काउंट करना पॉसिबल है. नेक्स्ट अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं देन पॉसिबल केस क्या हुआ स्पेशल सिंबल. तो स्पेशल सिंबल जस्ट कंडीशंस के थ्रू प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं कि स्पेशल सिंबल मल्टीपल पॉसिबल हैं. इसलिए रिमेनिंग सारे केस का किस में डाल दोगे अदरवाइज और एल्स ब्लॉक एल्स जस्ट स्पेशल सिंबल एस सी प्लस प्लस क्लियर. देन क्लोज दिस लूप डिस्प्ले क्या करा लेंगे ऑल वैल्यूज प्रिंट एफ डिफरेंट डिफरेंट काउंटर वैल्यू डिस्प्ले कराओगे फोर टाइम्स. आप अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज. देन फर्स्ट केस अल्फाबेट काउंटर ए सी नेक्स्ट वन डिजिट काउंटर डी सी नेक्स्ट वन वर्ड काउंटर डब्ल्यू सी नेक्स्ट वन सिम्बॉल काउंटर एस सी. मीन्स इससे सारे के सारे सिम्बॉल्स और डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग वैल्यू डिस्प्ले हो जाए. दिस इज द परफेक्ट लॉजिक फॉर काउंटिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग्स.